अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेगम किचन। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक गुआवा का जूस तैयार करा है जिसे मेरे 3 गिलास बने हैं। अगर आपके फ्रेंड घर में गेस्ट आ रहे हैं 10 से 12, तो आप ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के गुआवा ले सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, आप कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं, मिनटों का काम है। बनाइए, पीजिए, अपने गेस्ट को भी पिलाइए, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को भी दीजिए। यकीनन आप वाह वाह ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमने गुआवा ले लेना है, उसके स्लाइस निकाल लिए, या आप कट भी कर सकते हैं, कैसे भी छोटे टुकड़े कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, स्लाइस ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ आपने नमक डालूंगी, तो मैंने नमक डाला है 1/4 टेबल स्पून। अब यहाँ डालेंगे 4 to 5 टेबल स्पून शुगर, और मेरा जो गुआवा है वो थोड़ा सा खट्टा सा है, तो इसलिए मैंने शुगर ज़्यादा ली है। अगर आपका गुआवा मीठा हो तो आप शुगर की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसे ब्लेंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बस ये हो गया है, इसको निकाल के मैं एक छन्नी की मदद से इसके बीज अलग कर लूँगी, और मेरे ये गुआवा जूस बिल्कुल तैयार है। बेगम किचन के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसमें थोड़ा सा मैं इसे ठंडा करने के लिए आइस क्यूब डालूंगी। और लीजिए, ये बिल्कुल रेडी है। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Keep smiling.